सर हम आपके बेहद मशहूर हैं आपके वर्क के लिए। आज नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज साहब जो एमपी है 153 के, पीपी 153 के। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पकड़ने आ रहे हैं। हर दिन आपके लिए जो है ना एक नया दिन होता है, एक नई सुबह होती है, एक नया इंतजार होता है कि पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, क्या फैसला होगा। आप नए इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी, जेलें भरने की तहरीक का जो है ना ऐलान कर दिया जा चुका। तो ये आपको पता है फिर जेलों का हाल पाकिस्तानी के कैसे, वो शहबाज गिल और बड़े बड़े जो है ना वापस भी आ गए हैं और वो तो रोते नजर आए हैं, मतलब थोड़े से परेशान नजर आए हैं। तो आप इस चीज से नहीं डरते सर? ये हमारी लेड लाइन है, ठीक है, सोच के भी कोई गलती ना कर बैठे, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं ना पंजाबी में दमादम मस्त कलंदर, वो होगा। ईट से ईट बजा देंगे, ईट से पत्थर बजाएंगे, ईट से ईट तो पुरानी बात हो गई है सर। यानी अब ना तन रहेगा ना सर रहेगा जी, बिल्कुल सर। जान हमारी धड़कन, इमरान खान हमारी धड़कनों में बजता है, हमारी सांसों में बजता है, ठीक है। खान साहब हैं तो हम हैं। सर नौजवान असल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, माशाल्लाह एमपी हैं, एक बड़ी अच्छी सीट भी है। तो नौजवान असल को क्या आप एक पैगाम देना चाहेंगे, वो किस तरह इमरान खान साहब के साथ मिले और कितनी सब्र का और कितने जो है ना तहमुल का मुजाहरा करें, कितने जज्बात का मुजाहरा करें? सर मेरा नहीं ख्याल के नौजवानों को आपको पैगाम देने की जरूरत है, सारी नौजवान सारी यूथ आपके सामने खड़ी हुई है, सड़कों पर निकली हुई है। आप बताए, आज संडे के दिन में हर नौजवान ने कोई ना कोई क्रिकेट मैच रखा होता है, कोई शुगर रखा होता है, सब अपनी मसरूफियत को छोड़ के खान साहब के लिए आए हुए हैं, ठीक है। सब जितने दोस्त हैं सब ये खान साहब की मोहब्बत में खुद यहाँ आके बैठे हुए हैं। ये सारा इलाका जो है ना साज करा दिया चुका है, अब खुदा ना खासा कहीं से गोली आ जाती है, पहले इम्तियाज साहब खाएंगे उनके कारकुनान खाएंगे? सर पहले इम्तियाज साहब खाएंगे, और मुझे पता है कि ये मेरे कारकुन है, ठीक है, ये लीडर पहले होता है, ठीक है ना, अवाम बाद में होती है, पहले हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे, उसके बाद ये अवाम है। बहुत बेहद मशहूर है आपके टाइम के।